हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम आपको बताएंगे इशू ऑफ शेयर का 6 नंबर से क्वेश्चन बताना शुरू करेंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट आंसर वाला है। देख लीजिए आपको लिखा हुआ यहाँ पे शॉर्ट आंसर वाला, ये इतना इंपॉर्टेंट है इतना कि मतलब कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, देख लीजिए ये जो इंस्टॉलमेंट में जो पेमेंट किया जाता है वो इंपॉर्टेंट है, उसका आपको जनरलिटी इंपॉर्टेंट है। तब पर भी हम आपको जनरल नॉलेज के लिए समझिए कि थोड़ा दिमाग में आ जाएगा, उसके लिए हम आपको बता दें 6 नंबर क्या दिया है कि कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है, तो मुझे अपना बुक देखिए, एक्स लिमिटेड कोई कंपनी है, वो उसका फर्स्ट कॉल का पैसा था 3 रुपया, वो इशू किया शेयर 10,000 शेयर, फिर समझे 10,000 इक्विटी शेयर इशू किया, समझे। तो क्या क्या एक जनवरी को ही एक्स लिमिटेड को 3 रुपया जो देना था एक शेयर का, वो रुपया आपको 1 जनवरी को ही दे दिया, लेकिन देता कब, 1 अप्रैल को देना चाहिए। फिर समझिए एक्स लिमिटेड अपने आप मानी कंपनी, आपको कोई 3 महीना पहले ही पैसा दे दिया, मतलब क्या एडवांस में दे दिया पैसा, उसी का एंट्री करना है कॉल सीन एडवांस का, लेकिन आपको अप्रैल में मतलब पैसा लेना था लेकिन वो एडवांस में दे दिया, समझे। तो आपको यही बोल रहा है, फिर समझिए आपको 1 जनवरी को ही पैसा दे दिया और जरूरत कब था, ड्यू कब था, 1 अप्रैल को था, एडवांस में दे दिया ना पैसा, अप्रैल का पैसा जनवरी में भी दे दिया, एडवांस में दिया पैसा, वही को बोल रहा है कॉल सीन एडवांस का आपको एंट्री करने के लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आपको सब्सक्राइब कितना हुआ था शेयर 50,000 शेयर, प्रत्येक का दाम था 20 रुपया, इतना आपको समझ में नहीं आएगा, समझिए आपको सिर्फ और सिर्फ किसका बोल रहा है एंट्री करने के लिए, कॉल सीन एडवांस का एंट्री करने के लिए, समझे बात। देखिए अब आपको पूरा शेयर कितना कंपनी के द्वारा एक्स लिमिटेड कितना कंपनी जनता को दिया, वो आपको 50,000 शेयर दिया, फिर समझिए 50,000 शेयर वो दिया, जिसमें से 10,000 शेयर 50,000 में से 10,000 शेयर का पैसा पहले ही दे दिया गया, एडवांस में दे दिया गया, फिर समझिए, समझे बात। देखिए आपको 50,000 में से 10,000 शेयर का एडवांस में भी दे दिया गया 3 रुपये दर से, फर्स्ट कॉल पे दे दिया गया, मतलब 30,000 रुपया एडवांस में दे दिया था, समझिए। तो आपको कितना पहले एडवांस में दे दिया, 1 तारीख को 1 जनवरी कितना दे दिया था हमारे अकाउंट में, मतलब एक्स लिमिटेड के अकाउंट में, मतलब बिजनेस में कितना आ गया होगा बैंक पैसा आया होगा 30,000 रुपया पहले ही दे दिया, एसेट बढ़ता था हम डेबिट कर देते, कॉल सीन एडवांस आपको क्रेडिट हो जाएगा, समझिए कॉल सीन एडवांस यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, वो हमारी लाइबिलिटी है, समझे। अभी हमारे लिए वो लाइबिलिटी दायित्व है, पहले आपको कोई पैसा दे देगा, मान लीजिए अभी हम कमाए नहीं, वो जो हमको पहले दे देगा तो हमारा तो दिमाग टेंशन में रहेगा ना भाई, उसका हमको काम करना पड़ेगा, तो वो लाइबिलिटी हो गया, तो हम क्योंकि हमको देना पड़ेगा, लाइबिलिटी है वो। फिर देखिए आपको शेयर का फर्स्ट कॉल को कॉल सीन एडवांस का हम एंट्री कर दिए, फिर देखिए आपको 1 तारीख को अप्रैल में क्या हुआ वो आप देखिए अब क्या हुआ, यहाँ पर आपको पूरा समझिएगा, आराम से सिर्फ रहिए। देखिए 50,000 शेयर इशू किया जिसमें 10,000 शेयर का पहले पैसा दे दिया था, समझिए 50,000 शेयर इशू किया जिसमें 10,000 का पहले दे दिया, और जो 40,000 बचा उसका पैसा आपको 1 अप्रैल को दिया, फिर समझिए 40,000 जो बचा उसका अप्रैल आपको 1 अप्रैल को दिया गया, 50,000 शेयर का 3 रुपये दर से कितना हो जाएगा आपको 1,50,000 रुपया हो जाएगा, 1 अप्रैल को पूरा पैसा कितना आना चाहिए 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख आना चाहिए जिसमें से 30,000 रुपया दे दिया है, तो कितना बच जाएगा आपको 1,20,000 रुपया जो कि आपको 1 अप्रैल को दिया होगा। 1 जनवरी को तो आपको 30,000 रुपये दे दिया, लेकिन 1 अप्रैल को कितना दिया होगा, सॉरी कोई आ गया था, वो कितना देगा 1,20,000 रुपया। देख लीजिए पहले देख लीजिए कितना हमको मिलना चाहिए शेयर फर्स्ट कॉल पे 1.5 लाख रुपया, वो कि कहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा आप लिख दीजिएगा इसको इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 1.5 लाख रुपया, लेकिन हमको उस दिन 1 अप्रैल को ही कितना रुपया मिला आपको 1,20,000 रुपया, क्यों देखिए 1.5 लाख रुपया में 1,20,000 रुपया मिल गया आपको 1 अप्रैल को, 30,000 रुपया पहले मिला हुआ था, तो आपको हो गया 1.5 लाख रुपया, और वो आपको कहाँ चले जाएगा टू इक्विटी शेयर, यहाँ पर लिख दीजिएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, समझे बात। एडवांस जो दिया था उसको एडजस्ट कर दिए और जितना बचा था वो आपको मिल गया, हमको वो आपको कॉल सीन एडवांस का क्या बोल रहे हैं यहाँ पे आपको लेजर बनाने के लिए, देख लीजिए आप लेजर बनाने के लिए तो कॉल सीन एडवांस का लेजर आपको बनाना होगा, 1-4 अप्रैल को क्या हो जाएगा आपको डेबिट साइड में आ जाएगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का 30,000 रुपया और बैंक के साइड से आ जाएगा 30,000 रुपया, देख लीजिए आपको 30,000 कर दीजिएगा लेजर बन जाएगा। 7 नंबर में देखिए एक है झारखंड लिमिटेड जिसका कैपिटल 10 लाख, उससे आपको लेना देना नहीं है, वो कंपनी है झारखंड लिमिटेड जिसका
डिविडेड इंटू शेयर ऑफ 10 रुपीज परचेज मशीन। वो क्या किया, 1.5 लाख का मशीन खरीदा, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था, तो वो जो अपना शेयर था जिसका एक शेयर का दाम था 10 रुपया, वो आपको दे दिया, कितना दिया होगा कि 1.5 लाख रुपया हो गया होगा। समझिए बात, एक कंपनी था आपको झारखंड लिमिटेड नाम है, झारखंड लिमिटेड जो कंपनी था वो अपना शेयर दे दिया, पैसा की जगह पर आप शेयर भी दे सकते हैं, तो वो आपको 1.5 लाख का शेयर ही दे दिया गया। एक शेयर का दाम 10 रुपया, तो 1.5 लाख का कितना हो जाएगा आपको 15,000, वो अपना शेयर दे दिया। देखिए आपको तो उसका एंट्री क्या होगा वो आप देख लीजिए, मशीन हमारे अकाउंट में आ जाएगा, बिजनेस में आ जाएगा, डेबिट टू बिहार लिमिटेड, बिहार लिमिटेड के अकाउंट में करिए, 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया, इतना तक सही है। लेकिन उसके जगह हम आपको पैसा नहीं दिए उसको, किसको, बिहार लिमिटेड को पैसा नहीं दिए, तो क्या दिए हम अपना शेयर दे दिए, तो बिहार लिमिटेड डेबिट हो जाएगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। समझे, हम 15,000 शेयर उसको दे दिए, पैसा नहीं दिए, समझे बात, पैसा की जगह हम क्या दे दिए, अपना शेयर दे दिए, इसलिए वो एंट्री हो जाएगा आपको। वही जो हम अपना उसको पैसा देते तो यहाँ पर हम कैश अकाउंट दे देते, लेकिन क्या दिया उसको, आपको अपना शेयर दिए, कितना 15,000 शेयर, एक का दाम 10 रुपया, 15,000 शेयर का दाम 8 लाख। 8 नंबर में देखिए, एक है गुडलक लिमिटेड जो कि 10 लाख का सामान खरीदा फेयर डील्स लिमिटेड से, तो वो 10 रुपया उसका दाम है एक शेयर का, एक शेयर का दाम है 10 रुपया, लेकिन वो 25% है ना, कितना है 25% प्रीमियम पर बेचता है, 25% प्रीमियम पर बेचता है, 10 रुपया दाम है लेकिन 25% प्रीमियम पर बेचता है उसको। समझिए बात आपको क्या है क्या ना, कितना का दाम है 10 लाख का है, 10 लाख का, चलिए हम 10 लाख का पहले मशीन खरीद लेते हैं, इस एंट्री में आपको समझाएंगे, मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो किससे खरीदे, फेयर डील्स अकाउंट से लिमिटेड से 10 लाख, 10 लाख का मशीन खरीदे, लेकिन इसको हम दिए क्या, पैसा नहीं दिए, क्या दिए, शेयर दिए अपना। तो देख लीजिए 10 लाख में, देखिए 10 लाख है आपको, 10 लाख का सामान खरीदे जिसको देख लीजिए आपको 25% प्रीमियम पे आपको बेचा, समझ लीजिए 10 लाख पे प्रीमियम पर कितना दिया आपको 25% प्रीमियम पे, देख लीजिए 10 लाख का, 10 लाख है आपको एक शेयर, हम बता देंगे कि कैपिटल कितना दिया, इक्विटी शेयर कितना लगा और प्रीमियम का कितना लगा, देख लीजिए आपको 100 प्लस 25%, समझिए बात 25% पे बेचा इसको, मतलब देखिए 10 लाख का 125 गुना 100 काटिएगा तो आपको 8 लाख रुपया हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, फेयर डील्स लिमिटेड को 10 लाख रुपया तो दिया, लेकिन अपना इक्विटी शेयर से 8 लाख रुपया दिया, लेकिन जैसे कि मान लीजिए कि आईफोन है, आईफोन बन जाता है 50,000 में, लेकिन बेचा कितना जाता है 1.5 लाख रुपया में, उसी तरह बन जाता है 50,000 में लेकिन बेचा जाता है 1.5 लाख रुपया में, उसी तरह देखिए आपको इसके शेयर का दाम उससे जोड़िएगा तो 8 लाख रुपया होगा, लेकिन उसका स्टेटस के कारण, उसके नाम के कारण, गुडविल के कारण वो 2 लाख रुपया ज़्यादा ले रहा है, समझे, उसको बोला जाता है प्रीमियम, वो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से हम उसको दे देंगे, समझे बात, वो 25% हम उसको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से दे देंगे, तो आपको उसको 10 लाख रुपया हो गया, 8 लाख का शेयर दिए और 25% उसी पे हम प्रीमियम ले लिए, कैसे वो देख लीजिए 2 लाख कहाँ से आया,